सो कैसे आप लोग, तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग किसी भी फोटो को इस तरह का HDR क्वालिटी में बदल सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। वो भी DSLR जैसा पूरा फुल HDR क्वालिटी में, ठीक है। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से देखना, एंड चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह का एडिटिंग रिलेटेड वीडियो दोस्तों आप लोग को हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों बाकी बात वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो इस तरह का फोटो दोस्तों एडिटिंग करने वाले क्रोम ब्राउज़र से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो क्रोम ब्राउज़र हर किसी का मोबाइल में रहता है, तो आप लोग को सिंपली आप लोग को किसी भी गूगल क्रोम को ओपन कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप ओपन करते हो तो आप लोग का सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है केरिया, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है KREA, ठीक है। सो इस तरह से लिख करके सर्च कर देना, ठीक है ना। सर्च करने के बाद जैसे कि देख सकते हो आप लोग का सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने पहले से कोई भी फोटो एडिट करके रखा होगा दोस्तों, आपका फोटो यहाँ पर नीचे में शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अगर इसको फर्स्ट बार ओपन कर रहे हो तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अकाउंट बना करके रखा है, सिंपली आप लोग को अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ से इसको अनलॉगिन कर लेता हूँ, फिर आप लोग को लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से लॉगिन आउट कर लिया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप फर्स्ट बार इसको ओपन करते हो तो सिंपली आप लोग का सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, साइन अप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। साइन अप वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर गूगल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो इस तरह से गूगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद आप लोग को यहाँ से किसी भी एक जीमेल आईडी से इसको जो है लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लॉगिन कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को कुछ इस तरह से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जैसे कि देख सकते हो साइन अप का जगह में आप लोग का यहाँ पर ईमेल आईडी शो हो रहा है, सिंपली जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग का यहाँ पर एक इनहेंस का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इनहेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इनहेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ये वाला, ठीक है ना। तो आप लोग को ड्रैग ड्रॉप वाला ऑप्शन भी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ड्रैग ड्रॉप वाला ऑप्शन भी क्लिक करना, उसके बाद आप लोग को ऐसे फोटो का फाइल दोस्तों ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है ना। ऐड करने के बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुकी है। देन आप लोग जितना भी क्वालिटी में फोटो को एडिट करना चाहते हो दोस्तों, उतना क्वालिटी को आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 2x, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 8x, देन यहाँ पर आप लोग को 16x का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा HDR बनाना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पर 16x वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इनहेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरह से इनहेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फोटो यहाँ से इनहेंस होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपने नेट के हिसाब से दोस्तों यूज होता है, ठीक है ना। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आप लोग का नेट जितना भी फास्ट चलेगा ना, तो उसका हिसाब से यहाँ पर इनहेंस होकर उतना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों जैसे कि देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ से इनहेंस होकर आ चुकी है, ठीक है ना। नॉर्मल फोटो आप देखना चाहते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये रही हमारा नॉर्मल फोटो और ये रही हमारा HDR क्वालिटी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा डिफरेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का फोटो दोस्तों बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता है, ठीक है ना। तो आप लोग को आपको अपने नेट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर यूज होता है, आप लोग का नेट जितना भी स्पीड रहेगा सिंपली आप लोग को उतना फास्ट यहाँ पर इनहेंस होकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग को उसके बाद आप लोग को इस फोटो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए देन आप लोग यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को डाउनलोड वाला ऑप्शन फिर से क्लिक करना, आप लोग का फोटो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने और भी ज़्यादा इसको बेटर बनाना चाहते हो तो सिंपली आप लोग को थोड़ा सा बाइक आ जाना, ठीक है। बाइक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आप लोग को वही फोटो को फिर से आप लोग को अपलोड कर लेना, ठीक है ना। तो देन आप लोग को फिर से इनहेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को फिर से आप लोग को यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को वही फोटो को फिर से यहाँ पर ऐड कर लेना, जो फोटो अभी आपने HDR क्वालिटी में बनाया, ठीक है ना। तो सिंपली फिर से यहाँ पर ऐड कर लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से कुछ प्रोसेसिंग लेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर 16x वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। दोबारा इनहेंस करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो किसी भी फोटो को दोस्तों HDR क्वालिटी में बना सकते हो, ठीक है। तो फिर से आप लोग को इस फोटो को डाउनलोड कर लेना, सेम ट्रिक आप लोग को डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, आप लोग का फोटो जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो किसी भी फोटो को HDR क्वालिटी में बदल सकते हो दोस्तों, ठीक है। वीडियो जानकारी कैसे लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और हमारे तरुण भाई चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, बाय बाय।